देश में साइबर क्राइम करने के एक नई तरीके से क्राइम करने की लहर चल रही है, जिसमें हर दिन सैकड़ों केस निकल कर आ रहे हैं। और इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आपको मैसेजेस आएंगे, फिर वीडियो कॉल आएंगी, फिर आपसे हजारों रुपए ऐड लिए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं सरल भारत न्यूज। आखिर यह गैंग कैसे काम करता है? इसका काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यदि आपका अकाउंट फेसबुक या इंस्टाग्राम पर है तो सबसे पहले आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी, उसके कुछ ही देर बाद आपको DM आने लगेंगे, मैसेजेस आने लगेंगे, जिसमें आपका WhatsApp नंबर मांगा जाएगा। यदि आप WhatsApp नंबर दे देते हैं तो उस पर वीडियो कॉल आएगी। यदि आप WhatsApp नंबर नहीं देते तो फिर आपको, यदि आपका अकाउंट Instagram पर है या Facebook पर है, तो आपको वहाँ डायरेक्ट वीडियो कॉल आएगी। और उस वीडियो कॉल को यदि आप रिसीव कर लेते हैं तो उसमें सामने से एक न्यूड गर्ल होगी। आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि सामने से आखिर क्या चल रहा है। जैसे ही आप कुछ समझ पाए, यदि आपका चेहरा उस वीडियो कॉल में दिख जाता है तो उस वीडियो कॉल को वो गिरोह गैंग रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसके कुछ ही मिनटों बाद आपको ब्लैकमेलिंग के मैसेज आने लगे कि आपका जो कंटेंट है, जो आपका वीडियो है जिसमें आप घपाघप करते हुए दिख रहे होते हैं, उसको सोशल मीडिया या आपके रिलेटिव या आपके दोस्तों में शेयर करने की धमकी दी जाती है। यदि आप उस धमकी भरी मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं और उसमें आप उनको ऐसा शो हो जाता है कि आप अपनी रेपुटेशन, अपनी इज्जत बचाने के लिए पैसे दे सकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है, तो फिर आपसे हजारों लाखों रुपए वो ऐठ लेते हैं। आपकी रेपुटेशन का सवाल रहता है क्योंकि, और ऐसे ही देश में सैकड़ों के केस निकल कर आ रहे हैं। और इसका गैंग का काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ऑनलाइन मैसेजेस, वीडियो कॉल, फिर आप सबको ब्लैकमेलिंग के मैसेज आते हैं। एक ऐसी ही घटना है दिल्ली के रोहन वसीम की। रोहन वसीम को इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, फिर उनको DM आने लगते हैं। DM में लिखा रहता है कि आपका WhatsApp नंबर दीजिए, लेकिन वो WhatsApp नंबर देने से मना कर देते हैं। फिर उनको इंस्टाग्राम पर लगातार वीडियो कॉल आने लगते हैं, लेकिन वो वीडियो कॉल को रिसीव नहीं करते। फिर जैसे ही उनको 4-5 बार वीडियो कॉल आती है, उसके बाद वो वीडियो कॉल फिर अगली बार आती है तो उसको रिसीव करते हैं। वीडियो कॉल रिसीव करने के बाद उनको समझ नहीं आता, लेकिन सामने से वीडियो कॉल में एक न्यूड गर्ल दिख रही होती है, उसमें वो हरकतें कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो समझ पाए, उनको 5 से 10 सेकंड लगते हैं, वीडियो कॉल कट कर देते हैं। लेकिन वो गैंग सामने से उस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर उनको कुछ ही मिनटों बाद ब्लैकमेलिंग के मैसेजेस आने लगते हैं। ऐसी घटना ना सिर्फ रोहन वसीम के साथ है, देश में ना जाने ऐसे कितने ही केस हैं जो अभी पुलिस के संज्ञान में नहीं है, और कुछ केसेस जो अभी पुलिस के संज्ञान में हैं। दिल्ली पुलिस का कहना भी है कि देश में ऐसे बहुत सारे केस निकल के आ रहे हैं। और साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि यदि आपको इस तरीके फ्रॉड से बचना है, इस तरीके से साइबर फिशिंग से आपको बचना है, तो यदि आपको अननोन वीडियो कॉल या मैसेजेस आते हैं तो उनका रिप्लाई मत कीजिए। इसका बचने का जो अभी आसान तरीका यही है कि यदि आपको अननोन मैसेजेस या वीडियो कॉल आते हैं तो उनका आप रिप्लाई ही मत दीजिए।